खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां आज 10 बजे से हेमवती नंदन बहुगुड़ा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शुरू हुआ। वहीं वह दोपहर के 12 बजे तक 2851 में से लगभग 800 वोट पड़ चुके थे। आगे की प्रक्रिया भी 2 बजे तक चलती रहेगी। वोट करने के लिए उमड़ी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की भीड़। वहीं मौके पर पहुंचे SDM रविन्द्र बिष्ट ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया पर हमारी नज़र है, जो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाने की संभावना है। साथ ही पुलिस बल मौके पर तैनात है और चुनाव को सकुशल कराने के लिए पुलिस बल मौके पर है। देखिए, हेमवती नंदन बहुगुड़ा राजकीय महाविद्यालय खटीमा में आज छात्र चुनाव हो रहे हैं और 10 बजे से ये वोटिंग शुरू हो गई और 2 बजे तक चलेगी। उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू आरम्भ होगी। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था पूरी तैनात है, सारे पुलिस यहाँ पर तैनात है और शांति व्यवस्था बनाए रखी है, तो होपफुली ये पूरा शांतिपूर्वक निपट जाएगा हमारे शाम तक। देखिए, महाविद्यालय में अभी 10 बजे से हमने मतदान प्रारंभ करवा दिया है और हमारा इस समय टोटल वोटर जो हैं वो 2851 है, जिसमें से अभी तक 11 बजे तक 305 वोटर्स ने वोट कास्ट कर लिया है। लगभग 11% के आसपास जो है वो हमारा वोटिंग हो चुका है और हम 2 बजे तक मतदान करेंगे और लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास हम मतगणना कार्य प्रारंभ कर लेंगे। और पूरा पुलिस प्रशासन का और स्थानीय प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। आशीष कुमार इस समय प्रभारी प्राचार्य के रूप में और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।